रही हैं वो अपने अल्फाबेट या नाम के अक्षर के आधार पर शुभ संयोग भाग्योदय। ए सूर्य, मानसिक परेशानियों से दूर रहिए। बी चंद्रमा, घर के बड़ों की सेवा करें। सी बृहस्पति, आज आपके रुके हुए काम आगे बढ़ेंगे। डी राहु, नाराजगी और अभिमान में अपना नुकसान मत कर बैठिएगा। ई बुध, अपने धन का अच्छी जगह सदुपयोग करें। एफ शनि, नौकरी और व्यापार में सावधानी बरतें। जी बृहस्पति, अपने बच्चों की शिक्षा पर ध्यान दें, उनसे बात करें। एच बुध, पारिवारिक समस्याओं से दूर ना भागे, घर के लोगों की बात सुनिए। आई सूर्य, संचित धन को संजोए, पूंजी बढ़ाएं। जे सूर्य, दोस्तों से अच्छा संबंध बनाएं, उनसे संपर्क कीजिए। के चंद्रमा, परोपकार से भाग्योदय होगा, दान पुण्य भी कीजिए। एल बृहस्पति, आज का दिन शांति के साथ निकालिए, संयम ना खोइएगा। एम राहु, छोटी छोटी बातों को लेकर के तनाव मत लीजिए, किसी भी बात को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है। एन बुध, यात्रा से लाभ होगा लेकिन बहुत सावधानी रखे। ओ केतु, अपनी वाणी पर नियंत्रण रखिए, आपा ना खोइए। पी शनि, अपना सामाजिक दायरा बढ़ाइए और लोगों से मिलिए। क्यू सूर्य, पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, धन लाभ हो सकता है। आर चंद्रमा, परोपकार और वृद्धों की सेवा से लाभ होगा, इस पर ध्यान दें। एस बृहस्पति, काम काज और ऑफिस में विवाद मत कीजिए। टी राहु, सोच समझ करके योजना बनाइए, अपने पैसों का भी ध्यान रखिए। यू शुक्र, जीवन में सुख और आनंद भी लीजिए, कहीं घूमने जाइए, भ्रमण पे जाइए। वी शुक्र, अपनी जीवन शैली में सुधार कीजिए, अपने काम सही वक्त पर कीजिए। डब्ल्यू शुक्र, पति पत्नी सामंजस्य बनाएं, दोनों मिलकर के परिवार का ख्याल रखें। एक्स बुध, व्यर्थ की चीज़ों में समय बर्बाद मत कीजिए, समय की महत्ता को समझिए। वाई सूर्य, करियर को आगे बढ़ाने के लिए सोचिए, रुके रहने से काम नहीं चलेगा। जेड केतु, गरीब और असहाय को दिया गया दान आपके भाग्य के द्वार खोलेगा। अब बात करेंगे हस्तरेखा विज्ञान में छिपे हुए पर्व जो अद्भुत हैं, जो विभिन्न प्रकार के लाभ हानि, और आज बताएंगे शारीरिक रोग पर्व। ध्यान दीजिएगा, उंगलियों में जो ये सेक्शंस बने होते हैं ना, इन्हें पर्व कहते हैं। अब बात करेंगे, यदि हम कनिष्ठिका की बात करें, यानी छोटी उंगली है ना, उंगली में आप पर्वों की संख्या सामान्य से यदि अधिक है, 4 है 5 है 6 है, और पर्व एक दूसरे से संयुक्त हैं, जुड़े हुए हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति को भाषा की समस्या होती है, बोलने की समस्या होती है। सामान्यतः ऐसे व्यक्तियों के व्यक्तित्व का विकास प्रॉपर तरीके से नहीं हो पाता, मस्तिष्क और शरीर में सामंजस्य नहीं होता है, प्रायः व्यक्ति तनाव की स्थिति में रहता है और उसकी मानसिक स्थिति डिस्टर्ब रहती है, उसे मानसिक कष्ट सहना पड़ता है। यदि पर्व में चंद्राकार आकृति बन रही है कनिष्ठिका में ही, तो ऐसे स्थिति में व्यक्ति को बोलने में कष्ट होता है, साथ ही साथ भाषण की क्षमता होती ही नहीं है, उसे भीड़ में लोगों को सामना करने में भय प्रतीत होता है। यदि पर्व के निचले हिस्से में ये चंद्र चिन्ह बना हुआ है, तो व्यक्ति को गंभीर गुप्त रोग होता है, गुप्त रोग से वो पीड़ित रहता है, ऐसी समस्या के चलते उसे जीवन में जीवन पर्यंत कष्ट का सामना करना पड़ता है। वहीं यदि कनिष्ठिका उंगली के पर्व में वर्गाकार या आयताकार लक्षण अगर बने हैं, देखिएगा कनिष्ठिका वर्गाकार या आयताकार लक्षण अगर बना है, तो सीने में जकड़न, जुकाम, सर्दी, फेफड़े से संबंधित रोग हमेशा बने रहते हैं। ऐसे स्थिति में शरीर में दुर्बलता आ जाती है, कमजोरी आ जाती है, वीकनेस आ जाती है, व्यक्ति कुछ कर नहीं पाता है, जीवन व्यर्थ हो जाता है। बहुत अच्छा हो कि कनिष्ठिका